18वीं लोकसभा का पहला दिन और पहले दिन लोकसभा के नव निर्वाचित सांसदों की शपथ दिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद के तौर पर शपथ ली। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और इसी तरह से शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी है। पहले दिन मंत्रिपरिषद के सांसद शपथ लेंगे, उसके बाद राज्यवार शपथ ग्रहण शुरू होगा। लेकिन हंगामेदार रहा है ये सत्र, अभी से इसके आसार दिखने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जब शपथ ये चल भी रहा था उस वक्त भी विपक्ष वहां संविधान की प्रतियां दिखाते हुए नजर आ रहा था। सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर भी पहुंचकर वो प्रतियां दिखाने की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा ये पहले तस्वीरें देखिए, नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ, लेकिन आगे निश्चित तौर पर अग्निपथ। मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता। शपथ ग्रहण अभी भी चल रहा है, इन सब के बीच विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ के लिए जा रहे थे तो इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद के अंदर संविधान की कॉपियां लहराई। राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने संसद भवन में मोदी के संविधान दिखाया, उसकी प्रतियां। हम विपक्ष की रणनीति की पूरी खबर आपको दिखाएंगे, क्या कहना है विपक्ष के नेताओं का ये भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सुना देते हैं आपको, उन्होंने सत्र की शुरुआत से पहले क्या कहा, किस तरह इशारों में कांग्रेस पर हमला बोला, पहले वो सुनिए। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य की के सपनों को पूरा करना। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, जहां उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनका ये मोदी सरकार 3.0 अब चलने वाला है। लेकिन इन सब के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। ये देखिए, सर, प्रोटेम स्पीकर की बात हुई।
हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। हिमांशु, हम देख रहे हैं, ये आसार दिख रहे थे कि अग्निपथ ही रहने वाला है मोदी सरकार 3.0 का आगे की, लेकिन यहां प्रोटेम स्पीकर को लेकर विरोध, यहां पर जब शपथ चल रहा है उस वक्त भी विरोध, यानी विपक्ष पूरे विरोध के मूड में नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष पूरे विरोध के मूड में इसलिए भी है क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार उनका संख्या बल जो है 2014 और 19 की तरह नहीं है, इस बार उनका संख्या बल ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के पास जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। जैसे 2014 के अंदर जो है वो 282 सांसद जीते और 2019 में जो है 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से 32 सीटें कम है और इस चीज को विपक्ष बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानता है और एनडीए की जो संख्या बल है वो 292 है। तो ऐसे में विपक्ष अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है कि आप हमको उस तरीके से मत टैकल करिएगा जिस तरीके से जो है 2014 या 19 में हुआ है। और इसीलिए आप देखिए, आज संसद सत्र के पहले ही दिन जो है विपक्ष पूरी तरीके से विरोध करता नजर आया। जब प्रधानमंत्री ने ओथ ली या अन्य सदस्य जो है उनकी कैबिनेट के ओथ ले रहे थे तो विपक्ष जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की जो कॉपी वो दिखा रहा था और ये बात बताने की कोशिश थी कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज विपक्ष जो है के सामने इस सदन से पास नहीं कराई जा सकती है जो संविधान के खिलाफ हो। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि उनके पास सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए होता है, वो उनके पास है, लेकिन सरकार देश को चलाने के लिए जो है वो सहमति की जरूरत होती है, सहमति जो है वो विपक्ष के साथ होनी चाहिए, यानी विपक्ष भी आगे आकर जो है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी की याद दिलाई कि कल 50 साल जो है इमरजेंसी को लगे हुए पूरे हो जाएंगे और ऐसी अब कोई ऐसी काम नहीं हो सकता इस देश के अंदर जो इस तरीके की कालिक जो है लगे। देश का संविधान प्रधानमंत्री बयान को आप सुनवा देते हैं, एक तरफ देखिए विपक्ष हमलावर है तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं के लिए जरूरी है कि सार्थक चर्चा हो, इसलिए सहयोग जरूरी। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की, लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। उधर संसद भवन के बाहर इंडिया ब्लॉक के सांसदों का विरोध प्रदर्शन रहा, संविधान की कॉपी लेकर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोनिया और खड़गे की अगुवाई में प्रतिपक्ष के सांसद इकट्ठा हुए, नारेबाजी की, संविधान की प्रतियां लहराई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विपक्ष क्योंकि इस बार पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहा है, उनको पता है कि इस बार पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिली है, एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि इस बार विपक्ष ने अच्छा परफॉर्म करते हुए एक चुनौती जरूर ला खड़ी की है और इसीलिए संविधान की प्रतियां हो या संसद के अंदर या संसद के बाहर प्रदर्शन करना हो, विपक्ष की रणनीति साफ दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि अब सरकार बहुत आसान तरीके से आगे संसद की कार्रवाई नहीं चला पाएगी। विपक्ष का सहयोग बहुत जरूरी है, विपक्ष अपनी मांगों को लेकर भी आगे बढ़ रहा है। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को
डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट, इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। हमारे मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे, कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे हम लोग नहीं पता है। हमारे भारत बांग्लादेश में एग्रीमेंट होते हैं वो पश्चिम बंगाल के सरकार को बुलाते नहीं, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कष्ट में ये हम लोग अर्जित किया, इसको रक्षा करना ये अष्टादश लोकसभा का पहले दिन से हम लोग सरकार को एक दिशा दिखाने के लिए आज ये कर्मसूची में भाग लिया। बिल्कुल, ये नीट का मसला बहुत ही गंभीर मसला है, इससे सीधे सीधे 24 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, इस देश के मेधावी बच्चे। यहाँ जो प्राइवेट में मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए संभव नहीं है, और जिसकी वजह से वो सरकारी संस्थानों के लिए तैयारी करते हैं और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतनी धांधली। केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार क्या कर रही है, इतने दिनों तक आंख बंद करके बैठी है। उन्होंने यूजीसी नेट जैसे इम्पोर्टेंट एग्जाम को भी रद्द कर दिया एक दिन के बाद, इसका मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी उनको पता चली है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इससे हमारे देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। समाजवादी पार्टी का स्वाभाविक तौर पे ये पार्टी का एजेंडा होगा, वो पार्टी का कौन सा एजेंडा है जो अभी तय होगा, लेटर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मीटिंग कर। हाँ है, प्लान है बढ़िया। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए जनता ने अवसर दिया है, 60 साल के बाद ये मौका आया है और ये गौरवपूर्ण घटना है। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है, और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो 18वीं लोकसभा की खासियत यह भी है कि इस लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या से आता है। प्रधानमंत्री ने इसे गीता के 18 अध्यायों और पूर्णता से जोड़ा है। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है, और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहां 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है,
कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहां मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है।